हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल आज आपके लिए लेकर आया हूँ वर्ल्ड जीके से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इन 30 क्वेश्चंस में आपको मैं जो भी बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप आरआरबी एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी या एसएससी के किसी भी एग्जाम, जैसे कि एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल या एसएससी सीपीओ या बैंक के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो, फ्रेंड्स ये वीडियो तब भी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में बेल आइकन की घंटी को भी दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ये है एल्बुर्ग। ये कहां है फ्रेंड्स? ये है रूस में, एल्बुर्ज कहां है? रूस में। अल्बुर्ज जो है वो रूस में है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व का वह एकमात्र देश कौन सा है जो यूरोप एशिया महाद्वीप देशों में स्थित है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसा कौन सा देश है जो यूरोप में भी है और एशिया में भी है। फ्रेंड्स, यहां देखिएगा, इसमें मैंने आपको लिख रखा है महादेशों, तो फ्रेंड्स आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि महादेशों क्या होता है। फ्रेंड्स, महादेशों और महाद्वीपों दोनों सेम ही होता है। कभी कभार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है महादेशों, तो आप कंफ्यूजन हो सकता है आपको, इधर आपने एग्जाम दिया होगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पूछा गया है वह एकमात्र देश बताइए जो यूरोप और एशिया महादेशों में स्थित है, तो वह है रूस। रूस जो है वो एशिया में भी है और यूरोप में भी है। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा कंट्री है, तो ये एशिया और यूरोप दोनों में आता है। अगला क्वेश्चन हमारा, यूरोप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है डेन्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है यूरोप की। अगला क्वेश्चन हमारा, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण पूछा जाए तो डेन्यूब है, लेकिन सबसे लंबी पूछी जाए तो ये कौन सी है? ये है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी ये सबसे लंबी नदी है यूरोप की। फ्रेंड्स, इसकी जो लंबाई है वो है 3690 किलोमीटर, यानी कि 3690 किलोमीटर। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हमारा, यूरोप का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ये है लंदन। फ्रेंड्स, लंदन को तो आपको पता होगा कहाँ है लंदन। लंदन जो है वो इंग्लैंड की राजधानी है। अगला है हमारा, किस नदी के किनारे लंदन बसा है? तो लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे बसा है। कौन सी नदी के किनारे? टेम्स नदी के किनारे। अगला हमारा, विश्व में कुल कितने महासागर हैं? फ्रेंड्स, महासागर पूछे हैं तो कितने हैं महासागर? पांच महासागर हैं। कितने? पांच महासागर हैं विश्व में, पांच महासागर हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो महाद्वीप हैं विश्व में, महाद्वीप हैं वे हैं सात, जिन्हें महादेश भी बोल देते हैं, तो सात महाद्वीप हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? तो फ्रेंड्स, यूरोप महाद्वीप में हैं 46 देश, 46 कंट्री हैं यूरोप महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे ज़्यादा देश कौन से महाद्वीप में हैं? तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा देश कौन से महाद्वीप में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश हैं। फ्रेंड्स, कितने महाद्वीप है इसमें? इसमें जो है टोटल 54 कंट्री हैं। फ्रेंड्स, देखेगा यूरोप में तो जी 46 कंट्री और अफ्रीका में है 54 कंट्री, यानी कि 54 कंट्री, और एशिया में कितनी है? तो फ्रेंड्स, एशिया में जो है 48, यानी कि 48 कंट्री है। लेकिन यदि अगर बड़ा पूछा जाए, बड़ा आप सोच रहे होंगे कि अफ्रीका सबसे बड़ा है, अफ्रीका सबसे बड़ा है महाद्वीप नहीं है। भले ही इसमें सबसे ज्यादा देश हो, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप नहीं है। तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा महाद्वीप, सबसे ज्यादा देश किस महाद्वीप में है? वह है अफ्रीका महाद्वीप में। यूरोप में कितने महाद्वीप है? सॉरी, यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? 46 देश हैं। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है?
वो है एशिया। उसमें 48 कंट्री हैं हालांकि, जो कि अफ्रीका से 6 कंट्री कम है, लेकिन फिर भी अफ्रीका से बहुत बड़ा है। अगला क्वेश्चन हमारा, यूरोप को प्रायद्वीप का महाद्वीप क्यों कहते हैं? तो फ्रेंड्स, यूरोप को प्रायद्वीप का महाद्वीप कहते हैं, एक क्वेश्चन तो यही है, यूरोप को प्रायद्वीप का महाद्वीप कहते हैं, एक क्वेश्चन तो ये याद कर लो आप। और दूसरा क्या है, यूरोप को प्रायद्वीप का महाद्वीप क्यों कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसके अधिकांश देश तीन ओर से सागर से घिरे हैं, तो तीनों ओर से सागर से घिरे हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप का महाद्वीप। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन आ गए, यूरोप का प्रायद्वीप किसे कहते हैं, सॉरी प्रायद्वीप का महाद्वीप यूरोप को कहते हैं, और क्या क्यों कहते हैं, तो क्यों कहते हैं हम, क्योंकि यूरोप जो है, यूरोप की जो कंट्री है वो चार ओर से यानी तीन ओर से सागर से घिरी है। अगला क्वेश्चन हमारा, यूरोप के उत्तर पश्चिम में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो वो है ब्रिटिश द्वीप समूह, जिसे हम बोलते हैं ब्रिटिश आइस। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ब्रिटिश आइस के बारे में पूरा, देखिएगा फ्रेंड्स, ब्रिटिश आइस जो है बहुत बड़ा आइस है। अब इसके अंदर हम जाएं तो अब हम इसकी थोड़ी आगे जानकारी बात करेंगे, पहले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, यूनाइटेड किंगडम किन देशों से मिलकर बना है? तो फ्रेंड्स ये देखिएगा, इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको इसी क्वेश्चन मिल जाएगा जो मैं बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देखिएगा, जो अगला पिछला क्वेश्चन था हमारा ब्रिटिश द्वीप, इसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स इंग्लैंड का तो आपको पता होगा, इंग्लैंड जो है एक कंट्री है, इंग्लैंड जो है एक कंट्री है, और उसकी राजधानी क्या है, लंदन। और उसी के बराबर में बिल्कुल मिला हुआ है, यहाँ मान लो इंग्लैंड है और उसके बराबर में वेल्स है, ये वेल्स हुआ और ये इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स ये दोनों जो हैं आपस में मिले हुए हैं, तो इंग्लैंड और वेल्स दोनों अलग अलग कंट्री हैं, और उसकी इन दोनों के ऊपर जो है स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड जो है इनके ऊपर है, किसके ऊपर, इंग्लैंड और वेल्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स यदि अगर हम इन्हें यहाँ थोड़ा सा गैप दे दें यहाँ, तो यहाँ आता है हमारा आयरलैंड, कौन सा फ्रेंड्स, आयरलैंड। आयरलैंड भी दो भागों में बटा है, एक तो कौन कौन से में, उत्तरी आयरलैंड और एक दक्षिणी आयरलैंड। दक्षिणी आयरलैंड का जो नाम है वो है रिपब्लिक ऑफ आयरिश। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इंग्लैंड जो है कंट्री है, वेल्स भी कंट्री है, स्कॉटलैंड भी कंट्री है, और जो उत्तरी आयरलैंड भी कंट्री है, और फ्रेंड्स रिपब्लिक ऑफ आयरिश भी कंट्री है, और इन सभी को मिलाकर क्या बनता है, ब्रिटिश द्वीप। और फ्रेंड्स मैं अब आपको बता दूं यूनाइटेड किंगडम के बारे में। फ्रेंड्स जब हम इंग्लैंड को वेल्स के साथ मिला देते हैं, इंग्लैंड को वेल्स के साथ मिला देते हैं, तो बनता है हमारा ब्रिटेन। क्या बनता है फ्रेंड्स, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन क्या हुआ, ब्रिटेन इज इक्वल टू इंग्लैंड प्लस वेल्स। तो जब भी पूछा जाए ब्रिटेन क्या है, तो ब्रिटेन जो है इंग्लैंड और वेल्स का समूह है। इंग्लैंड और वेल्स क्या है, अलग अलग कंट्री। अब फ्रेंड्स इंग्लैंड और वेल्स के ऊपर जो था वो था स्कॉटलैंड। यदि हम ब्रिटेन में स्कॉटलैंड को मिला दें, यानी कि ब्रिटेन क्या क्या था, इंग्लैंड और वेल्स, जब इसमें मिलाएंगे हम स्कॉटलैंड को, तो तीनों मिलकर क्या बनेंगे, ये बनेंगे ग्रेट ब्रिटेन। क्योंकि ये दो थे ब्रिटेन, लेकिन अब स्कॉटलैंड में मिल गया तो क्या बना, ग्रेट ब्रिटेन। अब यदि फ्रेंड्स हम ग्रेट ब्रिटेन में मिला दें उत्तरी आयरलैंड को, यानी कि नॉर्थन आयरलैंड को, तो फ्रेंड्स बन जाता हमारा यूनाइटेड किंगडम। और यदि हम इसमें दक्षिणी वाला भी मिला दें तो ये बन जाता है हमारा ब्रिटिश द्वीप। फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, यूनाइटेड किंगडम किन देशों से मिलकर बना है? फ्रेंड्स यूनाइटेड किंगडम जो है वो ग्रेट ब्रिटेन और उत्तर आयरलैंड से मिलकर बना है। और फ्रेंड्स यदि आपसे पूछा जाए ग्रेट ब्रिटेन क्या है, तो ग्रेट ब्रिटेन जो है वो किस किस से मिलकर बना है, फ्रेंड्स इंग्लैंड वेल्स और स्कॉटलैंड से मिलकर बना है। अब यदि हम पूछें ब्रिटेन किस किस से मिलकर बना है, तो फ्रेंड्स ब्रिटेन का आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, ब्रिटेन जो बना है इंग्लैंड और वेल्स से मिलकर बना है। तो यूनाइटेड किंगडम किस किस से मिलकर बना है, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तर आयरलैंड। फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा,
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आयरलैंड द्वीप का दक्षिणी भाग किस देश के नाम से जाना जाता है? तो यह है आयरिश रिपब्लिक, ये आयरिश रिपब्लिक। फ्रेंड्स ये वही है, आयरलैंड का दक्षिणी भाग रिपब्लिक ऑफ आयरिश ही आयरिश रिपब्लिक है। अगला क्वेश्चन हमारा, आयरिश रिपब्लिक की राजधानी का नाम बताइए, ये है डबलिन। फ्रेंड्स इंग्लैंड की राजधानी क्या थी? लंदन। और इंग्लैंड के बराबर में जो था वेल्स, उसकी राजधानी थी कार्डिफ। और कार्डिफ के जो ऊपर था फ्रेंड्स, जो इंग्लैंड और वेल्स के बराबर के जो ऊपर था स्कॉटलैंड, उसकी राजधानी क्या है? तो उसकी राजधानी है एडिनबर्ग। तो फ्रेंड्स आयरिश रिपब्लिक की राजधानी क्या है? डबलिन। अगला क्वेश्चन हमारा, यूरोप में कौन धारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यूरोप में कौन धारी वन कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्वे में पाए जाते हैं, स्वीडन में, फिनलैंड में और साइबेरिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और साइबेरिया क्षेत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 16वां क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक अंगूर और जैतून उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में पूछा गया है अंगूर और जैतून। फ्रेंड्स जैतून का तेल का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो जैतून जो है और अंगूर जो है ये सबसे ज्यादा उत्पादित किस राज्य देश में किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं इटली में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटली में। इटली में क्या उत्पन्न किया जाता है? अंगूर और जैतून। जैतून और अंगूर सबसे ज्यादा इटली में ही उगाए जाते हैं, यानी कि उत्पादित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे यानी कि सर्वाधिक बड़ा देश कौन है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। अब फ्रेंड्स ये रूस है कितना बड़ा मैं आपको बता दूं। फ्रेंड्स यदि अगर आप इंडिया का 5 गुना करो तो उससे भी ऊपर चला जाता है रूस। इंडिया का 5 गुना करो तब भी रूस ऊपर चला जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से कौन अलग करता है? तो इंग्लिश चैनल जो है वो फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, यूरोप का ब्लॉक ब्लैक फॉरेस्ट किस कौन है? ब्लैक फॉरेस्ट कौन है फ्रेंड्स? यूरोप का, वो भी यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो है ब्रंसोत पर्वत। ब्रंसोत पर्वत जो है यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा, फ्योर्ड तटों का देश किसे कहते हैं? फ्योर्ड तटों का देश कहते हैं फ्रेंड्स नॉर्वे का। नॉर्वे को कहते हैं। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो अटपटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, यूरोप के गर्म कंबल के नाम से किस जलधारा को जाना जाता है? तो गर्म कंबल के नाम से फ्रेंड्स, गर्म कंबल, तो फ्रेंड्स गल्फ स्ट्रीम जलधारा को गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। अगला क्वेश्चन हमारा, आल्पस पर्वत का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेंड्स आल्पस पर्वत जो है वो यूरोप में है, तो इसका सबसे बड़ा अधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो इसका सबसे अधिक विस्तार जो है वो स्विट्जरलैंड में पाया जाता है, यानी कि आल्पस पर्वत का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन हमारा, इटली की गंगा किसे कहते हैं? फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इटली की गंगा किसे कहते हैं? तो इटली की गंगा कहते हैं पो नदी को। किसको फ्रेंड्स? पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रेनर दर्रा किसके बीच रास्ता प्रदान करते हैं? तो ब्रेनर दर्रा जो है वो इटली और ऑस्ट्रिया के बीच रास्ता प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व में हीरे के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? फ्रेंड्स हीरे का जो सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र जो है वो है बेल्जियम में। बेल्जियम में कहाँ पे? फ्रेंड्स इसका नाम जो है एंटवर्प है, एंटवर्प। तो हीरे का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र कौन सा है? एंटवर्प। ये कहाँ है? बेल्जियम में। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंटवर्प।
अगला है हमारा, दुनिया में कौन सा महादेश, फ्रेंड्स महादेश हो या महाद्वीप हो दोनों सेम ही बात है, मैंने इसी को इसलिए इन क्वेश्चनों में महादेश लिखा है जिससे कि आप आसानी से महादेश भी याद कर सको। तो दुनिया में कौन सा महादेश मरुस्थल विहीन है, मतलब जिसमें मरुस्थल है ही नहीं, तो फ्रेंड्स ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें मरुस्थल है ही नहीं, तो वो है यूरोप, यूरोप में मरुस्थल नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, सेंट जॉर्ज चैनल किसके बीच मौजूद है, फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था ऊपर अभी, ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन जो है इंग्लैंड और इंग्लैंड के बराबर जो में जो वेल्स, तो फ्रेंड्स इंग्लैंड और वेल्स मिलकर क्या बनते हैं ब्रिटेन, लेकिन जो इन दोनों के ऊपर है, इन दोनों के ऊपर है वो है स्कॉटलैंड, तो जब इन दोनों को तीनों को मिला देते हैं तो हमारा बनता है ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन यदि ग्रेट ब्रिटेन देखें और एक तरफ आयरलैंड देखें तो इनके बीच जो है वो सेंट जॉर्ज चैनल है जो इनको अलग करता है। तो फ्रेंड्स आयरलैंड भी दो भागों में बटा है, एक तो कौन कौन से में, एक तो उत्तरी आयरलैंड और एक निचले वाला आयरिश रिपब्लिक जिसे हम नाम जानते हैं। तो फ्रेंड्स सेंट जॉर्ज चैनल जो है ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड को अलग करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन को अलग करता है कौन, सेंट जॉर्ज चैनल। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन को अलग करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सेंट बर्नार्ड दर्रा किसके बीच मार्ग प्रदान करता है, तो यह है इटली और स्विट्जरलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी। अगला क्वेश्चन हमारा, हनाइन यार्ड का देश किसे कहते हैं, हनाइन यार्ड का देश कहते हैं फ्रांस को। और फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक शैंपेन शराब कहां बनती है, विश्व में सबसे अधिक शैंपेन शराब कहां बनती है, ये बनती है फ्रांस में। फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।